नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थायित्व के लिए भारत और आसियान के साझा दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन के यात्रा पर कल इंडोनेशिया जाएंगे। गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों के चुनाव का प्रचार तेज हुआ। भारत ने मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अनुकूलन के लिए वित्तीय आवश्यकता पर जोर दिया। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ होने के कारण भारत के लिए आसियान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कंबोडिया में नॉम पेन में कल 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन समय से सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिविलाइजेशनल टाइज दैट हैव एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया सिंस टाइम इमेमोरियल प्रोवाइडेड द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू बिल्ड आवर पार्टनरशिप इन मॉडर्न टाइम्स फ्रॉम अ सेक्टोरल पार्टनरशिप इन 1992 टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2022। उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और आसियान का साझा दृष्टिकोण है। इन संबंधों ने भारत और आसियान के बीच एक व्यापक भागीदारी का आधार तैयार किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि आसियान प्रतिनिधियों के लिए आयोजित रात्रि भोज के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। इस वर्ष G20 सम्मेलन का विषय है साथ बढ़ें, सशक्त बनें। सम्मेलन में G20 देशों के नेता वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में होंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों के कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत मनोज कुमार भारती ने कहा है कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी महत्वपूर्ण है। श्री भारती ने कहा कि भारत ने लगातार G20 संगठन में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। क्योंकि भारत इंडोनेशिया से ये प्रेसिडेंसी लेगा, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का इंडोनेशिया दौरा और स्पेशली G20 के लिए बाली का दौरा बहुत ही उल्लेखनीय हो जाता है। भारत ने कुछ दिन पहले ही जो अपनी प्रेसिडेंसी का लोगो लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री के लिए ये भी एक अवसर होगा कि उसके बारे में पूरी दुनिया को, G20 के देशों को बता सकें। भारत अपनी वैश्विक विचारधारा को अपने पुराने वैचारिक फिलॉसफीज से जोड़कर देखना चाहता है। श्री भारती ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई वैश्विक नेता शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
G20 देशों के दायरे में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% तथा विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा आता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर। 8700001-4242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण आए वैश्विक संकट के बावजूद विकास का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भारत की उपलब्धियों की सराहना कर रहे हैं और भारत समूचे विश्व के लिए आशा का केंद्र बन गया है। आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा। श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कल 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नीति और निर्णय का उद्देश्य आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 324 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। राज्य में 182 सदस्यों के चुनाव के लिए दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1 दिसंबर और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अग्रेसर गुजरात अभियान के तहत आज कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय पशुपालन मंत्री परसोत्तम भाई रूपाला आज तापी, दाहोद और अरवल्ली में आदिवासी प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अहमदाबाद और आणंद में उत्तर भारतीय लोगों से चर्चा करेंगे। भाजपा के केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन भी आज गुजरात में हैं और वे अहमदाबाद में दक्षिण भारत के लोगों को भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। अग्रेसर गुजरात यानी प्रगतिशील गुजरात भाजपा का एक अभियान है जिसके अंतर्गत पार्टी अपने घोषणा पत्र के लिए समाज के सभी वर्गों से सुझाव मांग रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी आज अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ। डाक मतपत्रों को शामिल करने के बाद मतदान का प्रतिशत और बढ़ सकता है। दून सीट पर सर्वाधिक 85.2% और शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 62.53% मतदान हुआ। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 232 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इनमें 126 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगस्त 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति का नया युग शुरू हुआ है। सामाजिक असमानता खत्म हुई और इस परिवर्तन को अब महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में चाणक्य संवाद में ये बात कही। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में हुए बदलाव के बारे में श्री सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और प्रगति के पथ पर ये प्रदेश पूरे आत्मविश्वास से अग्रसर है। कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा है कि कृषि और बागवानी कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की ताकत हैं और सरकार इसका समुचित लाभ लेने पर ध्यान दे रही है। कृषि सचिव ने कल नागालैंड में मेडजिफेमा में केंद्रीय बागवानी संस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कृषि मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की।
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्ष 2023 तक वैश्विक बाजार में भारत के आयुष क्षेत्र की हिस्सेदारी 23 अरब डॉलर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद 5000 वर्ष से भी अधिक की हमारी समृद्ध विरासत की सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। श्री सोनोवाल ने नागपुर में कल आयुर्वेद व्यासपीठ के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने मानव जीवन की समृद्धि के लिए भारत की परंपराओं को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं ekadamaur@gmail.com। ये आकाशवाणी है। भारत ने जलवायु संकट से निपटने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया है। मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP27 में भारत की पर्यावरण सचिव लीना नंदन ने कहा कि विकास कार्यों में जलवायु अनुकूलन शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। एक रिपोर्ट। भारत में अनुकूलन और तत्परता पर दीर्घकालिक रणनीति विषय पर भारतीय पेवेलियन में आयोजित सत्र में पर्यावरण सचिव ने अनुकूलन के लिए वित्त की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आधार तैयार करना अनुकूलन तत्परता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लीना नंदन ने कहा कि संस्थागत व्यवस्था, कार्य योजना तैयार करने और संसाधन जुटाने का काम एक साथ होना चाहिए। इस अवसर पर एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी की महानिदेशक विभा धवन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में खराब मौसम की घटनाओं ने जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों और अनुकूलन की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूलन के लिए खाद्य उत्पादन सहित सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। मेलबर्न में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 68 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष ने कल दक्षिण कोरिया के दाइगो में एशियाई एयरगन प्रतियोगिता में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दक्षिण कोरिया के युन यंग चो को पराजित किया। शिव थापा के रजत पदक के साथ भारत ने कल जॉर्डन में अम्मान में समाप्त हुई एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 12 पदक जीते। शिव थापा को पुरुषों के 63 किलो वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के रुस्लान अब्दुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में लगातार हो रही वर्षा से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले सप्ताह भारी वर्षा के बाद नीलगिरी, कुड्डलूर और नागपट्टिनम सहित कई अन्य जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इन स्थानों पर कृषि कार्य भी प्रभावित हुआ। तमिलनाडु सरकार ने सहायता और छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया था। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आज वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थायित्व के लिए भारत और आसियान के साझा दृष्टिकोण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर कल इंडोनेशिया जाएंगे। गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों के चुनाव का प्रचार तेज हुआ। भारत ने मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अनुकूलन के लिए वित्तीय आवश्यकता पर जोर दिया। और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।